आज मैं आपके लिए खोपरे की 3 लेयर वाली हलवाई स्टाइल बर्फ़ी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 250 ml दूध को उबाल लिया है और उसमें 150 ग्राम शक्कर डाली है। अगर आप 1 गिलास दूध डाल रहे हैं तो आधे से ज़्यादा गिलास शक्कर डालिए। 1 चम्मच गर्म दूध में 1 पिंच केसर डालने से उसका कलर येलोइश हो जाता है, तो ये इसमें डाल दीजिए। अब इसमें 2 पिंच इलायची का पाउडर डालिए। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप एडिबल फूड कलर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 200 ग्राम खोपरे का चूरा या डेसिकेटेड कोकोनट मिला दीजिए। खोपरे को दूध में अच्छी तरीके से डिप करने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालिए। घी से बर्फ़ी मुलायम बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। 2 मिनट के बाद ही खोपरा सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको 1:2 रेशियो में अलग अलग कर दीजिए। 1:2 रेशियो इसलिए क्योंकि हम 3 लेयर की बर्फ़ी बना रहे हैं और इसमें पहला और तीसरा लेयर सेम होगा। जिस पार्ट में आपने ज़्यादा चूरा रखा है उसमें 4 ड्रॉप ग्रीन कलर डालिए और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए और उस पर बटर पेपर बिछाइए और ग्रीन वाले पोर्शन को इस पर सेट कर दीजिए। देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर ऑरेंज वाले पोर्शन को सेट करेंगे। आप इसे स्पैचुला या चम्मच की मदद से सेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारी ऑरेंज वाली लेयर भी सेट हो गई है। अब इस पर 3rd लेयर यानी कि ग्रीन वाला पोर्शन फिर से स्प्रेड करेंगे। ऐसा करने से मिठाई अट्रैक्टिव लगती है। अब सारे लेयर्स अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। फ्रिज में रखने से इसे काटने में आसानी होती है। देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत ही आसानी से भी बन गई है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।